हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है वो है अबाउट अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे। आज है मेरी प्यारी सी नानी खुशी का जन्मदिन। वो स्पेशली मेरे साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर से यहाँ पर आए हैं। सो ये रही हमारी प्यारी खुशी, जो कि सुबह से अपने बर्थडे पार्टी को कैसे ना कैसे करके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इग्नोर कर रही है। यहाँ पे खुशी बधाइयाँ ले रही है जन्मदिन की। जैसे कोई बर्थडे की पार्टी मांग रहा है तो जवाब सुनिए इनके। ठीक है, कुछ नहीं पड़ेगा बर्थडे पार्टी में, सब मोमो है, एक दिन ऐसे चले जाएंगे इस दुनिया से। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम तो पार्टी से बच रही है। मेरा रिजल्ट नहीं है और इसलिए पार्टी, अब तो देखो सही लग रहा है लेकिन नहीं, रिजल्ट पार्टी नहीं देनी पड़ेगी। वैसे पार्टी तो मुझे खुद के जन्मदिन के दिन भी दूसरों से पार्टी मांगती हुई ये लड़की, गौर से देखिए इसको, बड़ी कंजूस लड़की है ये। चलो ये कंजूसी वाली बातें तो सिर्फ मजाक की है, लेकिन इन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ क्या की है अपने जन्मदिन पे, वो ये है कि इन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए भानीदोरा मंदिर के अंदर। बहुत अच्छा आइडिया है कि हम अपने बर्थडे पार्टी पे कितने रुपए वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़े से रुपए अगर हम इन सारी चीज़ों में लगा दें तो सोचो हमारी धरती कितनी हरी भरी हो जाएगी। वेल डन खुशी, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो अब हम सोच रहे हैं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाए कहाँ पे जाएं बहन। कहाँ जाए, रूफटॉप चले, नाइस प्लेस। इफ यू एवर विजिट रतनगढ़ जस्ट डू दैट प्लेस। तो आज हम पहनने के वाले हैं भाई खुशी जी, क्या पहनने वाले हो आप बर्थडे पे? मैं आपको जो ड्रेस दूंगी आपको वही पहननी पड़ेगी। nice. क्या पहनना चाहिए, सूट साड़ी जींस? सूट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था आज खुशी का बर्थडे है, तो फिर हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ी घूमी करने के लिए और खुशी के लिए कुछ लेके आते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए और हमारी खुशी मैडम अभी भी लगी हुई है तैयार होने के लिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। नाउ हम पहुंच चुके हैं रूफटॉप, चलते ऊपर। आज ना मैंने पूरा रूफटॉप कैफे खुशी के लिए बुक किया है। हाय, अब आप ये सोच रहे हो कि इसको शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए। यहाँ पे तैयार है हमारी खुशी जी केक के साथ में, स्माइल तो देखो इनकी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड यहाँ हमें हमारे कुछ रिलेटिव्स मिल गए थे, तो हमारा जो सेलिब्रेशन का एंजॉयमेंट था वो भी डबल हो गया। यानी कितनी ऑसम है यार। अपने मोमोज के मजे लेते हुए, उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं किसके साथ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। He's just focusing on momo. अरे भूकर थोड़ा तो छोड़ दे, सभी खा जाए। और ये लगातार लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं बताया था। कोई मतलब नहीं। कल्ली कल्ली खा रही है, इसे देखिए कैसे बर्फ मिला रही है। आज इसका बर्थडे, इसने मेरे मोजिटो से अपने वनीला शेक में बर्फ मिलाई है। और परी तो बात ही नहीं करना चाहती अभी,
खाते टाइम ये गाली खाने खाना पसंद करती है। गजब बेइज्जती है ये बर्थडे गर्ल। ये है क्या, हद ही हो गई अब तो। घर आ गए हैं, बहुत मस्ती की, बहुत मजे किए और खुशी के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। सो खुशी अब आप बोल दीजिए जरा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो।